नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। उर्दू के मुमताज मिजा निगार और अदीब मुश्तबा हुसैन ने किया पद्मश्री अवार्ड वापस करने का ऐलान। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज लिया फैसला। मुश्तबा हुसैन ने कहा, मोदी हुकूमत जमहूरियत और सेकुलरिज्म का घोंट रही है गला। मुश्तबा हुसैन ने पद्मश्री अवार्ड वापस करने का क्यों लिया फैसला, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून के पास होने के बाद मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं क्योंकि शहरियत तरमीमी कानून हिंदुस्तान के सेकुलर आइन के खिलाफ खुली वर्जी है। उर्दू के मुमताज़ मिर्ज़ा निगार और अदीब मुश्तबा हुसैन ने पद्मश्री अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। रोजनामा इंकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। उर्दू के मुमताज़ मिर्ज़ा निगार और अदीब मुश्तबा हुसैन ने फ़िरका वाराना बुनियाद पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज पद्मश्री अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। हैदराबाद से उन्होंने रोजनामा इंकलाब से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह मोदी हुकूमत जमहूरियत और सेकुलरिज्म का गला घोंट रही है उससे मेरा दम भी घुट रहा था, इसलिए मैंने ये अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। काबिले जिक्र है कि मुश्तबा हुसैन मुल्क के पहले तंजो मिर्ज़ा के अदीब हैं जिनको हुकूमत हिंद ने बहैसियत मिर्ज़ा निगार पद्मश्री के बावकार सिविलियन एजाज से नवाजा। वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के पस मंज़र में पहले ऐसे अदीब हैं जिन्होंने जुरतमंदाना कदम उठाते हुए पद्मश्री अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। मुश्तबा हुसैन के मजामीन पर मुश्तमिल 22 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। उनकी 7 किताबें हिंदी जबान में शाया हुईं, जापानी और उड़िया जबान में भी एक एक किताब शाया की गई। उन्हें 10 से ज़ायद अवार्ड हासिल हुए जिनमें गालिब अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी अवार्ड, जौहर कुरैशी अवार्ड और मीर तकी मीर अवार्ड शामिल हैं। उनके तवील खिदमात के एतराफ़ में कर्नाटक की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने 2010 में डॉक्टरियत की एजाजी डिग्री से नवाजा था। तो ये थी नाज़रीन रोजनामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए मुश्तबा हुसैन ने जिस तरह पद्मश्री अवार्ड वापस करने का फैसला किया है उससे साफ जाहिर होता है कि दानिश्वर तबके में भी खासी नाराज़गी है। मालूम हो कि इससे पहले मॉब लिंचिंग को लेकर मुल्क के अदीबों और दानिश्वरों की जानिब से अवार्ड वापसी के जरिए नाराज़गी जाहिर की गई थी। चुनांचे अब देखना यह है कि मुश्तबा हुसैन के बाद और कौन लोग किस तरह अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम भी हाज़िर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।